हमने आकर के देश में भिन्न भिन्न संस्थाओं को एक चिट्ठी भेजी। हमने कहा कि आपको विदेशों से धन मिलता है, एफसीआरए कानून के तहत आपको परमिशन मिली हुई है, आप अपने पैसों का हिसाब दीजिए, विदेश से पैसा आता है कहां उपयोग करते हैं। इतना सा कोई रेड नहीं करनी पड़ी है, किसी इनकम टैक्स वाले को जाना नहीं पड़ा है, एक छोटी सी चिट्ठी गई और आप हैरान हो जाएंगे, इस देश में 20,000 से ज्यादा संगठन उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। ये 20,000 संस्थाएं क्या करती थी, सीमावर्ती गांव से लेकर के संसद से लेकर के न्यायतंत्र तक, न्याय प्रक्रिया तक प्रभाव पैदा करने का काम होता था, उन पर हाथ उठाने का काम हमने किया है। हिंदुस्तान को नुकसान करने वाली 20,000 संस्थाएं चाहिए आप नहीं रोक सकते थे, क्यों चलने दी, क्या आशीर्वाद थे, क्या भला होता था आपका, ये विदेशी धन लाने के रास्ते किसके लिए थे। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसलिए चारों तरफ से अभद्र भाषा सुनने को मिलती है, गाली गलौज सुनने को मिलता है, गंदे आरोप सुनने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि इतने लोगों को परेशानी हो रही है कि एक ईमानदार सच्ची सरकार, देश के हित में सोचने वाली सरकार आती है तब क्या होता है, ये इससे पता चलता है। 20,000 संस्थाएं बहुत बड़ा आंकड़ा है, और अब तो मैं देख रहा हूं जो बहुत बड़े बड़े नाम थे वो ऑफिशियली हिंदुस्तान में से अपना कारोबार बंद करके नए नाम से घुसने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, ये हाल पैदा हो गया है। और आपने देखा होगा, मुझे याद है गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया, पंडित नेहरू जी ने, और अभी मैंने उद्घाटन किया। कितना देश की पैसा, और उसमें के विषय विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, विदेशी धन से खेलने वाले एनजीओ, और किसी ने रोका नहीं इनको। 20,000 संस्थाएं बंद हुई है और आने वाले दिनों में आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि हम पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं।